अरे एक मिनट यार, थोड़ा साइड हो जाइए ना, फोन कैसे लगेगी हम लोग आगे। केंद्रीय सिव्हिल एव्हिएशन मंत्र्यांनी सुनिये ना, ये जरा मुंह मागे ना, आगे ऑटो आला विनंती केलेली आहे। अशा प्रकारचा अपघात होणं मॅडम, प्लीज प्लीज थांबा दोन कॅमेरा कॅमेरा केले ना, चिंताजनक इस प्रकार की घटना है। अगर ये कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं होता तो शायद जान और माल की बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ा नुकसान सहन करना पड़ता, क्योंकि पूरी बस्ती के बीच में ये क्रैश हुआ है। इसके कारण क्या है, इसके पीछे किसकी गलती है, ये सारी चीजें सामने आनी आवश्यक है। और केंद्रीय विमानन मंत्री ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, हमने भी उनको ये निवेदन किया है, क्योंकि इस प्रकार की घटना बहुत चिंताजनक की घटना है। तो मुझे विश्वास है कि इसकी पूरी जांच होगी और सत्य हमारे सामने आएगा। मुआवजा मुआवजा देखिए, वो जो भी उचित मुआवजा है वो दिया जाए। लेकिन पायलट को शौर्य दिखाया, बत्ती नहीं निकले, अगर ऐसा कहा जाए तो देखिए, अभी आज कुछ भी कहना इसके ऊपर ये अटकलेबाजी होगी। पूरी की जानकारी जब मिलेगी, क्योंकि डीजीसीए के पास उनका संपर्क भी फ्लाइट से हुआ होगा, तो जो भी जानकारी होगी, अभी हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। उचित तो जो उसके मतलब सारी तफ्तीश के बाद ये सारी चीजें सामने आएगी।